दोस्तों फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं वेस्ट न्यूज़ में। अभी मैं खड़ा हूं यहां मेन रोड में, हाईवे में, जो रोड ममो एरिया यानी कि आंगू, बागरा, दोजी और तारका और यहां आरके मिशन सबको कनेक्ट करता है, जो हमारे हेडक्वार्टर आलो से। इस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, आप देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से ये सड़क यहाँ टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं किस हालत में है, लगभग एक महीना होने को है, लेकिन यहाँ सड़क की हालत इस तरह है। यहाँ एक ड्रेन, कलवर ड्रेन है, लेकिन टूटा हुआ है। यहाँ अथॉरिटी की ओर से कोई कदम नहीं उठाया है, पिछले एक महीने से यह टूटा हुआ है। काफ़ी खतरनाक नज़ारा है, जैसे कि आप देख सक रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस मेन रोड को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं जो लिकावाली होके हमारे आलो शहर में आते हैं, वो सीधा इसी रास्ते को लेते हैं। हमारे प्राइवेट कार्स जो ईटानगर से आते हैं वो न्योराक होके आ सकते हैं, लेकिन जितने हैवी व्हीकल से जो माल सामान लेके आते हैं उनके लिए बहुत ही खतरा है। आप देख सकते हैं यहाँ टूटा हुआ है सड़क, लेकिन अथॉरिटी की ओर से कोई कदम नहीं है अब तक। यहाँ कुछ टेम्प्रोरी के लिए यहाँ डाइवर्ट किया गया है पिछले साल, लेकिन अभी कोई डेवलपमेंट नहीं, वही का वही रह गया है। अगर इस तरह हैवी व्हीकल्स यहाँ से चलते रहेगा तो ये रास्ता पूरी तरह से टूट जाएगा, पूरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। और मैं इस वीडियो के जरिए कौनसन अथॉरिटी, हाईवे अथॉरिटी से मैं अपील करना चाहूँगा, जल्द से जल्द इस सड़क को आप कुछ डेवलपमेंट लाएं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ सिकू ब्रिज के बीच, हमें देखना है इस ब्रिज का हालत कैसा है, क्योंकि हम अक्सर ये खबरें सुनते हैं कि ब्रिज टूट गया, ब्रिज कोलैप्स हो गया, कमज़ोर ब्रिज के कारण टूट गया, या इस तरह का हम बहुत ही दुर्घटना काफ़ी दिनों से हम सुनने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं आज हमारा आलो ब्रिज, सिकू ब्रिज किस हालत में है मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। मैं टेक्निकली तो नहीं कह पाऊँगा ये मजबूत है या कमज़ोर, लेकिन मैं आपको जरूर दिखा पाऊंगा किस हालत में है। जहाँ तक मैं एक लेमैन होने के नाते देख सक रहा है, देख पा रहा हूँ, यहाँ ब्रिज के हर कोने में यहाँ मिट्टी से भरा हुआ है, मिट्टी ही मिट्टी है। यहाँ पानी जाने का एक सिंगल सा रास्ता भी नहीं है, हर जगह मिट्टी से भरा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर यहाँ आधा घंटा 15 मिनट का बारिश आता है तब भी यह ब्रिज काफ़ी जमा रह जाता है पानी से, और पैदल जाने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, और टू व्हीलर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। अक्सर हम देखा गया है कि यहाँ पैदल जाना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज ना होने के कारण, यहाँ पानी जाने का रास्ता ना होने के कारण हमेशा पानी जमा रहता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कौनसन अथॉरिटी को मैं अपील करना चाहूँगा, इसे आप कुछ कदम उठाए और इस मिट्टी को साफ करने की आप कोशिश करें। धन्यवाद।